नमस्कार, बेसिक गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगनर्स के दूसरे वीडियोस में लेसन दो में आप सभी का स्वागत है। आप हैं चैनल होम गार्डन पे, मैं हूं रविंद्र। दोस्तों, इससे पहला वीडियोज हमने गार्डनिंग टिप्स को लेकर बनाया था उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या गार्डनिंग करने में उन्हें समस्या आ रही है, तो हम थ्योरिकली बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं सॉइल के ऊपर, यानी कि मिट्टी के ऊपर। दोस्तों, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पौधे की ग्रोथ के लिए और पौधे के पूरे जीवन के लिए मृदा यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा अहम होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप में से बहुत सारे दोस्त नहीं जान पाते हैं कि मिट्टी क्या है। जैसे हम कहते हैं कि आप अपने गार्डन की मिट्टी लीजिए, नॉर्मल सॉइल लीजिए या फिर बलुई दोमट मिट्टी लीजिए, तो आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं सर ये क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने गार्डन के लिए बेस्ट मिट्टी का चयन कैसे कर सकते हैं, मिट्टी के कॉम्बिनेशन को बनाकर अपने पौधों के लिए अच्छी ऐसी उर्वरक सॉइल कैसे बना सकते हैं, या कौन सी मिट्टी किस पौधे के लिए बेहतर हो सकती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप कमेंट करके अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने कुछ मिट्टियाँ ली हुई हैं जिनके जरिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैंने ये जो मिट्टी ली हुई है, ये है यहाँ की बलुई दोमट मिट्टी। देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारी मिट्टी होती हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट, ऊसर, इस तरह की। लेकिन हम गार्डनिंग को लेकर आपको समझा रहे हैं तो हम केवल उन्हीं मिट्टी के लिए यहाँ पर बात करेंगे जो आपके काम की हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपके लिए अपने हाथों में ली हुई है ये जो है बलुई दोमट मिट्टी, और ये हल्की काली भी है, यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ काली मिट्टी भी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास आपके जो पर्यावरण है, आपके खेतों में, आपके बगीचे में जो मिट्टी पाई जाती है, हम उसे आपकी गार्डन सॉइल या नॉर्मल सॉइल बोलते हैं। ये काली जो मिट्टी होती है या बलुई दोमट मिट्टी होती है, ये रिच होती है, यानी कि इसमें उर्वरक काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। अगर ये थोड़ी और काली हो जाए तो उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और इस मिट्टी में जो काली मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी होती है, इस मिट्टी में जो है कपास बहुत अच्छा होता है, आपका गुलाब बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा तम्बाकू है, मिर्च है, दलहन वाली फसलें भी इसमें काफ़ी बेहतर होती हैं। तो अगर आप अपने बगीचे में अच्छे फूल चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जो है आसपास के पर्यावरण से और आसपास की जगह से, खेतों से, अपने बगीचे के लिए इस मिट्टी का चयन करें। और आगे हम बताएंगे कि अकेले इस मिट्टी के चयन से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इसमें और मिट्टी ऐड करनी होगी। तो लेकिन मैं पहले और दूसरी मिट्टियों के जो है पर्चे आपको दे दूँ। ये देखिए, ये हल्की जो है मिट्टी आपको लाजमा लिए हुए दिख रही होगी, धूप की वजह से शायद नहीं दिख पा रहा हो पूरा। तो इस मिट्टी में पोटेशियम बहुत अधिक होता है, और पुणे की तरफ तो बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे गमले का कलर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी मिट्टी हो जाती है। तो जो लाल मिट्टी होती है उसमें जो है लोहा बहुत अधिक होता है, और आयरन की वजह से उस मिट्टी में आप गुलाब अच्छा उगा सकते हैं, आपका जैरबेरा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, गुलदावरी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, अरंड जानते हैं जो अंडी आती है वो भी काफ़ी अच्छी उसमें ग्रोथ करती है। लेकिन ये जो मिट्टी होती है ये पानी को होल्ड करके रखती है, तो अगर आपके जो पॉट है उसमें ड्रेनेज व्यवस्था सही नहीं होगी तो फिर आपका जो पौधा है वो हो सकता है कि ओवर वाटरिंग से सड़ जाए। तो लाल मिट्टी की ये परेशानी वाली बात है कि नर्सरी में हम बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है। तो अगर पौधों के नीचे हमने इसमें कटिंग लगा दी या कोई पौधे लगा दिए तो एक सप्ताह बाद पानी देने से भी पौधे चलते रहते हैं। तो ये दो मिट्टी हो गई। तीसरी मिट्टी जिसका हम गार्डन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है सैंड। इसकी पहचान देखिए, इस तरीके से आप इसे अगर हवा में उड़ाएंगे तो बारीक सा रेत उड़ेगा चारों तरफ, हल्की हवा से भी ये उड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली मिट्टी है। इसमें सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें पानी टिकता नहीं है, अगर आप ऊपर से डालेंगे बहुत जल्दी ये सोख लेती है और नीचे पानी को निकाल देती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप गार्डन सॉइल यूज कर रहे हैं तो अपने बगीचे में आप 60% गार्डन सॉइल लीजिए
20% लीजिए सैंड, रेतीली मिट्टी, और 60 और 20 80 हुआ, 20% आप गोबर खाद कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट में ला लीजिए। तीनों का मिश्रण तैयार कीजिए, आपकी बेस्ट सॉइल, बेस्ट गार्डन सॉइल आपके प्लांट के लिए तैयार हो गई। तो सैंड में पोषक तत्व कम होते हैं, तो आप इसमें ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो कम पोषक तत्वों से चलते हैं, जैसे नारियल है, 9 o'clock है, या फिर सीडलिंग के ये बहुत अच्छे काम आती है। आप इसमें सीधे सीधे गोबर खाद मिक्स कीजिए, 50-50, 50% सैंड लेना है, 50% गोबर खाद लीजिए, कोई भी बीज आप लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, और फास्ट जर्मिनेशन होता है। तो सैंड का प्रयोग आप समझ ही गए होंगे, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और वेल ड्रेजन व्यवस्था वाला बनाने के लिए हम जो है सैंड का प्रयोग करते हैं। शहरों में रेतीली मिट्टी नहीं मिल पाती, तो वहाँ अगर आपको ये यमुना रिवर सैंड मिल जाए तो आप बिल्कुल उसी तरीके से जो है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको भी हम गार्डन सॉइल में मिक्स कर सकते हैं अपने, और अपने जो पौधों हैं, पौधों के लिए जो मिट्टी बनाएंगे उसे वेल ड्रेन और भुरभुरा बना सकते हैं। देखिए, अगर रूट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी मिट्टी में, मिट्टी भुरभुरी होगी और उसमें पोल रहेगी, तो आपका पौधा जो है वो फास्ट सर्वाइव करेगा, अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तीसरे नंबर पे मैंने ली हुई है, ये है यहाँ की चंबल सैंड, और इसे बदरपुर सैंड भी बोलते हैं, और इस मिट्टी का प्रयोग हम करते हैं कैक्टस और सकुलेंट के लिए। देखिए, ये ककरीली होती है, तो अडेनियम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, कैक्टस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गुलाब में भी ये काफ़ी बड़ा रोल निभाती है। अगर आप इस मिट्टी को और इसमें गुलाब लगाएंगे आप, तो भी आपका गुलाब बहुत अच्छा सर्वाइव कर देगा। लेकिन आप प्योर मत लगाइएगा, लगभग 30% आप अपने नॉर्मल सॉइल में से मिक्स कीजिए, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे बर्मी कंपोस्ट के साथ यूज कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है आपके लिए निकल कर आएगा। तो अभी तक हमने 5 तरह की जो है सॉइल की बात की आपके सामने, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी, यमुना रिवर सैंड और चंबल सैंड यानी कि बदरपुर। ये 5 जो मिट्टियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी मिट्टी होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, जली मिट्टी जिसमें पानी भरा रहता है तो वो चिकनी हो जाती है और बहुत टाइट हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में केवल गुलाब और जैरबेरा सर्वाइव करता है, लेकिन अगर आप उसमें दूसरा पौधा लगा देंगे तो कुछ समय तक तो पौधा काफ़ी तेज़ ग्रोथ करेगा, लेकिन वो क्या होता है, वो हार्ड होती जाती है और जो पौधे की रूट्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं उसमें। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपने देखा होगा नर्सरी पे सब चिकनी मिट्टी में पौधे लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि उसका जो रूट बावल है वो टूटता नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसमें से पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं और रूट भी उसमें से अच्छे तरीके से निकल नहीं पाते हैं, जब आप उसे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे पौधे की जो रूट हैं वो मिट्टी के साथ टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो जब आप घर पे पौधा लगाएं तो तुरंत ही उस मिट्टी, जो काली मिट्टी या लाल मिट्टी या जो जलोढ़ मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, उसमें आप ये रेतीली मिट्टी या फिर ये यमुना की जो मिट्टी है काली, इसे मिक्स कर लीजिए उसमें लगभग 20%, तो आपकी जो मिट्टी है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन की हो जाएगी। फिर आपका जो पौधा है उसकी जो रूट हैं वो बड़ी आसानी से सर्वाइव करेंगी, तेज़ी से डेवलप होंगे, और रूट जितनी तेज़ी से डेवलप होंगी वो जगह जगह जाएंगी, वहाँ से पोषक तत्व तो पौधे को मिलेगा, पौधा जो है फास्ट ग्रोथ करेगा। ऐसे ही बहुत से क्षेत्रों में ये पीले और लाल मिट्टी मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर बहुत सी छत्तीसगढ़ में भी कुछ मेरे व्यूअर हैं वो वहाँ से भी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है बड़ी हार्ड है, इसका उपाय क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मिट्टी होती है, मैंने पहले बताया कि ये पानी को होल्ड करती है, तो पौधा इसमें ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप कभी भी मिट्टी को ऐसे ऐसे ना डालें, इसे तोड़ कर क्रश कर लें और बारीक कर लें, उसके बाद इसमें कंपोस्ट मिलाएं, बर्मी कंपोस्ट मिलाएं और सैंड मिलाएं, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इस मिट्टी को आप अपने गमले में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो मिट्टी का तरीका हुआ कि किस तरीके से आप इन्हें यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कौन सा पौधा कौन सी मिट्टी में बेहतर सर्वाइव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं काली मिट्टी की बात करूँगा। तो अगर आपके क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है तो आप गुलाब लगाइए, गुलहड़ लगाइए, जैरबेरा लगाइए, क्रिसैंथेमम लगाइए, इसके अलावा आप पाम लगा सकते हैं, सभी कोई भी पाम बहुत ही अच्छा
काली और जली मिट्टी में सर्वाइव करता है। इसके अलावा लिली लगा सकते हैं कोई सी भी, चाहे वो रैन लिली हो या फिर आपकी जो है वाटर लिली, तो खैर पानी में ही लगती है लेकिन उसके लिए भी जली मिट्टी की जरूरत होती है, वो भी इसमें अच्छा सर्वाइव करेगी। अगर आप मैरीगोल्ड लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सदाबहार लगाना चाहते हैं या ऐसे पौधे जो सीजनल से होते हैं, उन्हें आप हमेशा जो है अपने जो नॉर्मल सॉयल है उसमें रेतीली मिट्टी मिलाकर ही उनमें लगाइएगा, तभी वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो शिकायत आती है वो गुलाब को लेकर आती है, तो गुलाब को हमेशा पोषक तत्व वाली यानी रिच जो पोषक तत्व हैं उनमें ज़्यादा हैं वो ऐसी मिट्टी चाहिएगा, तो आप कोशिश कीजिए लाल मिट्टी लीजिए, काली मिट्टी उसके लिए लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में ये मिट्टी नहीं है तो आप हर 3 महीने बाद उसकी जो मिट्टी है उसमें तो थोड़ी सी मिट्टी निकालिए और उसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाकर उस मिट्टी का बैलेंस बनाए रखिएगा। मिट्टी का बैलेंस बनाने का मतलब यह है कि आप अपने पौधे की ज़रूरत के हिसाब से उसमें खाद जो है मिक्स करते रहिए, जिससे मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहेगी और उसमें जो उर्वरक तत्व हैं वो भी पूरे बने रहेंगे। तो रेतीली मिट्टी, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है तो वहाँ से भी क्वेरी आती है सर हम क्या करें, तो अगर आपके क्षेत्र में इस तरीके की रेतीली मिट्टी पाई जाती है और तो जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर ककरीली मिट्टी भी होती है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी भी आप इसमें मिलाकर जो है कुछ पौधे तो लगा ही सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें कंकड़ पत्थर मिला लेंगे तो अडेनियम बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा, कोई सा भी अगैब, कोई सा भी कैक्टस आप लगा सकते हैं, पाम भी इसमें चल जाता है, अगर पानी अगर सही तरीके से इसे मिलता रहे तो कोई भी पाम भी इसमें अच्छा सर्वाइव करता है। रेतीली मिट्टी में जैसा मैंने आपको बताया सीड जर्मिनेशन सबसे बेहतर होता है। तो ये सामान्य जानकारियाँ थी मिट्टी को लेकर, मुझे उम्मीद है कि जो न्यू बिगनर्स हैं उनके कुछ समझ में आया होगा और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और उसकी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सर्वाइव जो शेयर कीजिएगा, और इस सीरीज का जो पहला वीडियो था उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।